हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपकी प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि गेस्ट फैकल्टी से रिलेटेड है, और हम देखेंगे कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे जो गेस्ट फैकल्टी का जो नोटिफिकेशन है वो निकाला गया और जहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए देखते हैं वो नोटिफिकेशन। तो जो पहला नोटिफिकेशन आया वो तेजपुर यूनिवर्सिटी से आया, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के लिए नोटिफिकेशन को निकाला गया है। तो देखिए, ये जो गेस्ट फैकल्टी के लिए नोटिफिकेशन है वॉक इन टाइप रहेगा, तो वॉक इन इंटरव्यू है, ऑनलाइन होगा। इसके लिए बोला है कि तेजपुर यूनिवर्सिटी लुकिंग फॉर अ गेस्ट फैकल्टी फॉर मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इन्होंने जो गेस्ट फैकल्टी की पोजिशन निकाली वो मॉलिकुलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की निकाली है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट विद बायोडाटा एंड टेस्टिमोनियल्स मे अपीयर बिफोर द सिलेक्शन कमिटी एज पर द डिटेल एडवर्टाइजमेंट विच इज अवेलेबल इन द वेबसाइट। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने देखिए बोला है कि अगर आप इंटरेस्टेड है इस पोजिशन के लिए, अगर आपने मॉलिकुलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपको गेस्ट फैकल्टी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जो है अपना बायोडाटा और टेस्टिमोनियल्स में जो भी आपकी मार्कशीट हो या आपने कोई एक्सपीरियंस आपके पास है या आपने नेट गेट या एआरएस एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो वो सब जो है आप दिखा सकते हैं बिफोर द सिलेक्शन कमिटी एज पर द डिटेल एडवर्टाइजमेंट। तो डिटेल में अगर एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो आपको www.teju.ernet.in पर लॉग इन करना है, जहाँ पे पूरा जो डिटेल में जो एडवर्टाइजमेंट है वो दे रखा है। ठीक है, तो ये तो था तेजपुर यूनिवर्सिटी में। तो इसके बाद आप देख सकते हैं, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूरा आपको पोजीशन बताएगा, आपका सब्जेक्ट बताएगा, और साथ ही साथ जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो भी यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए, पहला जो पोजीशन है वो मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में, इसके लिए आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में। साथ ही साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी दे रखी है, बहुत सारी दे रखी है, जैसे मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, इन अ कंसर्ट और रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसके अलावा आपने अगर नेट क्वालिफाई किया है, नेट स्लेट या सेट क्वालिफाई किया है, तो आपको यहाँ प्रेफरेंस मिलेगा। वहीं अगर आपने 2009 तक पीएचडी अगर आपने जो है रजिस्टर की या कंप्लीट की है, तो आपको यहाँ पे नेट स्लेट या सेट से एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपने पीएचडी की है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जरूर दिया जाएगा, और अगर आपने कोई भी दो पेपर जो है वो अपने पीएचडी वर्क से अगर आपने किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में अगर प्रेजेंट किए हैं, तब भी यहाँ पे आपको जो है प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये सब जो एलिजिबिलिटी, अगर आप इन एलिजिबिलिटी को फॉलो करते हैं तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही इन्होंने ऑल दे रखा था, पीएचडी डिग्री हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी। अगर आपने अपनी पीएचडी डिग्री किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से की है, तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी को टॉप 500 रैंकिंग में आना चाहिए, तभी आप जब आपको ये सब जो है एग्जेम्पशन मिलेगा। जैसे कि ये जो रैंकिंग दे रखी है इन्होंने, जो कि क्यूएस रैंकिंग या टीएचई रैंकिंग या एआरडब्ल्यूयू रैंकिंग, तो इन रैंकिंग में आपकी जो यूनिवर्सिटी वो टॉप 500 में आनी चाहिए, तभी आपको एग्जिबिशन मिलेगा, आप डायरेक्टली जो है अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, अब देखिए, जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ईमेल वो 9 सितंबर है। ठीक है, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर टू रजिस्टर देयर नेम्स अलॉन्ग विद डिटेल्ड बायोडाटा। ठीक है, तो अगर एक दो दिन डिले भी हो जाए तभी वो आपको जो ईमेल है वो आई थिंक वो कंसीडर करेंगे आपके मेल को, तो आप इसे आज ही जो है वो सेंड कर दीजिए, ताकि 1-2 डे का डिले होता है तो फिर इतना मुश्किल नहीं होगा, आई थिंक वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसे आप कंसीडर करेंगे। अब जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको गूगल मीट के थ्रू इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन था ये था तेजपुर यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे जो गेस्ट फैकल्टी पोजीशन निकली वो है। अब देखिए, इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भी दे रखा है पूरा, अगर आप ये पढ़ना चाहें तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से इसे भेज दीजिए ताकि आप जो है इसके लिए कंसीडर हो सकें। अब हम बात करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी जो कि भारतियार यूनिवर्सिटी है। तो देखिए, इसमें जो पोजीशन निकली गेस्ट फैकल्टी की वो डिपार्टमेंट बायो इन्फॉर्मेटिक्स में निकली है। इसके साथ इन्होंने बोल रखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आपको पीएचडी इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स या कंप्यूटर साइंस या एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस में है, तब आप जो एलिजिबल हैं। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है बायोमेडिकल डाटा माइनिंग, कंप्यूटर एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम बायोलॉजी। ठीक है, और साथ ही साथ अब देखिए, जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है, क्वालिफाइड कैंडिडेट अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपके पास ये एलिजिबिलिटी है, तो आप अपना रिज्यूम जो है n.jayakumar@voc.edu.in पर 14 सितंबर से पहले आपको यहाँ पे सेंड करना है बाय मेल ओनली। इंटरव्यू डेट टाइम एंड विल बी नोटिफाइड थ्रू ईमेल। आपको यहाँ पे इंटरव्यू का डेट और टाइम जो है वो नोटिफाई किया जाएगा आफ्टर योर सिलेक्शन। ठीक है, तो ये
कुछ इम्पोर्टिंग गेस्ट फैकल्टी जो नोटिफिकेशन थी जो कि नोटिफिकेशन थी जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी में निकली थी, मैंने वो आपको बताया। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो यहाँ पे जरूर अप्लाई करें। तो चलिए मेरा वीडियो यहीं पे खत्म होता है, अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।